ये लीजिए बब्बन मियाँ, आपके ये शेड्यूल के कपड़े भी रेडी है। नवाज़िश, मेहरबानी, करम। नहीं नहीं, थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए। मेरे एक बार कहने से ही आपने पूजा को कितनी अच्छी जगह दिला दी। अरे हमने क्या किया, जिसकी जो जगह होती है वो परवरदिगार खुद दे देता है उसको। माय गॉड नेहा जी, शी हैज बिकम लाइक अ फैमिली मेंबर। आया यो फैमिली मेंबर नहीं जी, लाइफ टाइम मेंबर। उस दिन हमारा मुंह से निकला ना वो। शट अप चिन्नी। नेहा जी, सब ठीक है, चिंता मत करो। आपके बॉस बंटी गणत्र हमेशा मुझे यही सलाह देते रहते हैं कि चन्नो, साधारण वस्त्र पहना करो। साधारण, ओनली पेस्टल कलर्स, यू नो। क्या है ना, साधारण वस्त्र पहनने से मन को शांति मिलती है, दिल मचलता बिल्कुल नहीं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह काबू में रहती है। अरे जी, आप लोग, प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं? क्या कैसी चल रही है आप लोग की प्यारी सी फिल्मों की दुनिया? हा? कितनी प्यारी फिल्में बनाते हैं आप लोग, कितने प्यारे लोग होते हैं आप लोग, है ना? फिर से कोई गाने की शूटिंग कर रहे हैं आप लोग? बनाइए बनाइए, ढेर सारे लिबास बनाइए, जितना चाहे बनाइए, बदल लीजिए बदल लीजिए, जितने लिबास बदलने बदल लीजिए, झाड़ में बदल लीजिए, पहाड़ में बदल लीजिए, जहाँ चाहे बदल लीजिए, सानू की, है ना? अच्छा तो चना सिंह, वाइफ ऑफ गना सिंह, चले चले। वो क्या है ना, दो बच्चे घर पर माँ के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और क्या है ना, गना सिंह सत्संग में आस लेके बैठे होंगे कि प्रियतमा कब आओगे कब आओगे कब आओगे। प्रणाम। प्रणाम जासी। प्रणाम। अच्छा, गन्ना का निकलने वाला है दम, कभी खुशी कभी गम। अच्छा बब्बन भैया, पूजा बता रही थी कि इस बार शूटिंग के लिए आप लोग किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं? नैनी हिल्स, हिंदुस्तान का खूबसूरत तरीन हिल स्टेशन। हम लोग जब भी नैनी हिल्स गए वहाँ कोई ना कोई गुल जरूर खिला है। अब के देखे नैनी हिल्स में कौन सा नया गुल खिलता है। यस सर। माय हीरो राज मल्होत्रा कमिंग हियर फॉर शूटिंग। जी हाँ हाँ, इस बार आप लोगों की शूटिंग नैनी हिल्स में हो रही है। मैनेजर किधर? वो किस लिए सर, क्या काम है? काम बात करना है, डिटेल में, खुलासे में, टोटल बात करनी है। ऑल राइट सर, ऐसा है, उनका कैबिन उस तरफ है। थैंक यू, वेलकम सर। मैनेजर साहब, आदाब। नमस्ते, कहिए। मैं राज मल्होत्रा साहब का खासुल खास आदमी, उनका खिदमतगार, उनका ड्राइवर, बब्बन नाम है मेरा। उनके कमरे के मुतालिक पूछने को आया, हट को है ना? मतलब वो क्या है, वो खुदा की कसम ये आजकल के फैना जो है ना उनको बहुत तंग करते, और वो सीधे सिंपल आदमी है, उनको ये खिटपिट नको होना। नहीं नहीं बबन जी, आप फिक्र मत कीजिए, उनके सारे इंतजाम मैं खुद कर चुका हूँ। अच्छा जी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी? बहुत नवाजिश, शुक्रिया। आप उनकी फिल्मा तो देखी होंगे? नहीं, मैं फिल्में नहीं देखता। आप हिंदुस्तान में रह के फिल्मा नहीं देखते क्या? मैनेजर साहब, आप भी थोड़े हटके हैं। नहीं बबन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले देखता था, आजकल नहीं देखता। क्या देखना, कहाँ है वो फिल्मा पहले जैसी, कहाँ है वो हीरो, कहाँ है वो हीरोइना, कहाँ है वो कहानियां? क्या फिल्मा बनती थी साहब, उस जमाने में हम यूसुफ खान साहब की खिदमत में हुआ करते थे। ऐसा कलाकार हिंदुस्तान के पर्दे पे फिर कभी नहीं आया, खत्म।
वहां से हम निकले तो हीरो की खिदमत में आ गए। हमारी ये हीरो सब हिट फिल्मा करते हैं, चॉइस करते हैं, हाँ इसके वास्ते हम इनके संगात हैं। देखो उनका कमरा देखने को भी ये नौकर पहले आया, वो बाद में आएंगे। आप बेफिक्र रहिए बबन मियां, आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। नवाजिश। वैसे कब आ रहे हैं आपके साहब? बस पहुंचते ही होगा हीरो जी का कारवां। ठंडी होती ना, बहुत मजा आएगी। लास्ट टाइम ना मैं इधर बहुत मुर्गी खाने के बारे में अभी बहुत खाऊंगा। Excuse me, sir. Yes. सर, मिस्टर राज मल्होत्रा अपने कमरे में चेक इन कर चुके हैं, आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते थे ना? मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा, तुम जाओ। हेलो, हेलो, मैं मिस्टर राज मल्होत्रा से बात कर सकता हूँ प्लीज? कौन है? मैं इस होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ। जी एक मिनट, आपका फोन है। इसका? जी, इस होटल के मैनेजर का। ओह, ओके। थैंक यू। सॉरी। या, राज मल्होत्रा यार। हेलो सर, मेरा नाम शिव कपूर है। सर, आई एम द मैनेजर ऑफ द होटल। वेलकम टू द नैनी हिल्स। कहिए मैनेजर साहब। सर, जस्ट वांटेड टू चेक इफ यू आर कंफर्टेबल। किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। ऑफ कोर्स। वैसे आपका होटल बहुत खूबसूरत है और आपके अच्छे मैनेजमेंट की झलक हर जगह से नजर आ रही है। थैंक यू सर। सो वंस अगेन, किसी भी चीज की जरूरत हो माय एक्सटेंशन नंबर 16 मुझे जरूर याद कीजिएगा। अरे भाई, कोई भी तकलीफ होगी आप ही को याद करेंगे और कहां जाएंगे हम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मैनेजर। थैंक यू।